अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डायलेक्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि डायलेक्टोलॉजी क्या होती है। सो व्हाट इज़ डायलेक्टोलॉजी? डायलेक्टोलॉजी इज़ अ सब फील्ड ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज लिंग्विस्टिक डायलेक्ट। इट इन्वेस्टिगेट्स लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस बेस्ड प्राइमरली ऑन रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। डायलेक्टोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक डायलेक्ट है। मतलब कि डायलेक्टोलॉजी में हम लिंग्विस्टिक लेवल पे किसी डायलेक्ट को हम स्टडी करते हैं कि एक डायलेक्ट में क्या फीचर होते हैं, एक डायलेक्ट में जो डिफरेंट लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट बनाते हैं। मतलब जब डायलेक्ट को हम एक स्टडी में लेके आते हैं ना, तो उससे डायलेक्टोलॉजी कहते हैं। अब इसमें ना एक क्राइटेरिया है, डायलेक्टोलॉजी का क्राइटेरिया वो किस चीज़ पर बेस करता है। जो डायलेक्टोलॉजी का क्राइटेरिया है वो म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी पे बेस करता है। मतलब वो दो चीज़ों पे बेस करता है, ठीक है। और हम इसको इस तरह से जो हमें समझ आ रही होती है और हम इसको इस तरह से डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं कि एक लैंग्वेज के जो दो डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, उर्दू लैंग्वेज के दो डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के दो डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, वो हमें समझ आ रही होंगी। अब हम किसी और जगह में जाते हैं, मतलब कि किसी दूसरे शहर में जाते हैं या बलूचिस्तान में चले जाओ, तो वो लोग सराइकी बोलते हैं, ठीक है। अब देखें, अब हमें जो है क्या कहते हैं, वो लोग उर्दू जानते हैं, हम भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। अब वो लोग उर्दू बोलेंगे तो बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमें समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन हम उसको समझ लेते हैं। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। वो लोग उर्दू बोलते हैं, सीधे ना बोल लेते हैं, हमें समझ आ जाती है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नहीं समझ आते। तो ये हो गया एक चीज़ इस पर हो रही है कि ये होता है एक लैंग्वेज के दो डिफरेंट डायलेक्ट्स जो हमें समझ आ रहे होते हैं। और जो दूसरी चीज़ ये है कि दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनको हम लोग नहीं समझ सकते। मतलब कि कोई चाइना से आया बंदा, अब वो चाइना बोल रहा है और मुझे तो इंग्लिश आती है, मुझे उसकी नहीं, मैं उर्दू स्पीकर हूँ, मेरा नेटिव स्पीकर उर्दू है और मुझे वैसे इंग्लिश आती है, तो मैं उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ सकती क्योंकि मुझे आती ही नहीं है चाइनीज़। तो ये हो गया आपस में इनका, ये होता है क्राइटेरिया। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़